ये जो आवाज है ये क्यों आ रही है मुझे खुद से सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इंटरेस्टिंग क्यों है बिकॉज आज मैं अपने खुद के हुंडई वेन्यू के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरे को अप्रॉक्स हो गए हैं 1.5 साल इस गाड़ी को चलाते हुए, एंड इस 1.5 साल में क्या कुछ मतलब ऐसा फील मुझे हो रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सो गाइस, एज़ यू कैन सी मैं जस्ट अभी आया हूँ, क्यों ना मैं आपसे ये कुछ चीज़ें शेयर करूँ कि मेरे हुंडई में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे मैंने को सर्विस एडवाइज़र ने बताया था, हुंडई के ही सर्विस एडवाइज़र ने बताया था कि सर गाड़ियों में मैक्सिमम 1.5 साल बाद ही प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ बात सही है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इस पर हो रही हैं। तो लेट्स सी, गाड़ी थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा गाइस। तो गाइस अभी आप देखिए, जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो जो इंजन का हल्का रेव है वो अप्रॉक्स पहले तो मतलब कि 1% का भी समझ में नहीं आता था, बट नाउ जब मैं अभी करता हूँ तो एक अलग से उसकी आवाज़ आती है, हल्की मतलब कह लीजिए माइक्रोसेकंड से मतलब कि डिफरेंस है, बट हाँ डिफरेंस है स्टार्ट होने में। एज यू कैन सुनिएगा आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, ये जो आवाज़ आपने सुनी गाइस मतलब कि एक रेव की आवाज़ हल्की सी है, वो मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि हाँ सुबह सुबह तो थोड़ी ज़्यादा आती है इस टाइम पे, बिकॉज इस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई मे बी हो सकता है। तो आप दोबारा सुनिएगा, अभी देखिए अभी कम आई, इससे पहले में ज़्यादा आई थी। तो वैसे मैं को ड्राइवर सीट पर आ चुका हूँ, तो अभी देखते हैं। ये ठीक है, आवाज़ वैसे पुरानी वाली है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आप देखते हैं, अभी ठीक है। ये जो आवाज़ है ये क्यों आ रही है मुझे खुद से कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग आवाज़ है ये। नीचे करने में नो प्रॉब्लम, ये ठीक है। इसको मैं सर्विस सेंटर लेके गया था गाइस, एंड उन्होंने बताया था कि ये पूरा पैनल खुलेगा एंड जो भी जैसा है। तो मैं ये सोच रहा जब उसकी थर्ड सर्विसिंग कराऊंगा तो साथ ही साथ उसको भी करा लूँगा, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो गाइस थर्ड पॉइंट का सीन ऐसा है कि जब भी आप मतलब अपना मिरर इतना खोल के अगर चला रहे हो तो मिरर्स पे जो वाइब्रेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या पहले से बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हालांकि मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे विजिबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे गाइस, इस कॉर्नर पे देखिएगा, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन मिरर्स पे तो फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। जबकि मेरे को करीब करीब 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। देखिए ये आपकी भी वेन्यू में है या मेरे में बस है, ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा, इससे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए थोड़ी सी आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं अब इस पे बैक गियर लगाऊंगा, एंड ये मेरा क्लच पैडल है, इसको मैं दबाया, गियर लीवर उठाया, यहाँ पे आके जैसे अभी ये अब लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि ये लीवर जब अपन गियर मतलब कि बैक गियर लगाते हैं, रिवर्स गियर लगाते हैं, तो यहाँ पे अटक जाता है, फिर उसके बाद अपन को क्लच हल्का सा छोड़ना पड़ता है या हल्का और दबाना पड़ता है, तब जाके क्लच लगता है। जनरली मेरे साथ क्या होता है, मैं पूरा क्लच दबा के इसको जब बैक गियर लगाता हूँ तो मुझे हल्का छोड़ना पड़ता है, तब जाके ये बैक गियर अपने में लगता है।
तो ये दो चीजें अजीब लगती हैं, खास तौर पे ये वाली चीजें। तो इसको तो मैं नेक्स्ट जब भी मैं सर्विसिंग कराऊंगा तो इसको मैं प्रॉपर इसमें कोशिश करूंगा डैम्पिंग कराने की। और एक चीज और, जब भी आप इसे लाउड म्यूजिक सुनते हैं ना, तो इसके डोर से हल्की आवाजें आती हैं, लाइक वो चरर चरर छनन छनन की, मतलब कि बेस वाले ट्रिबल के साथ दूसरी वाली आवाज इसमें आती है, तो वो बहुत ही ज्यादा एनॉइंग लगती है गाइस। ये जो अभी लगा डायरेक्ट नहीं लगा, हल्का सा रुकता है फिर उसके बाद लगता है, जब मैं अलग से दबा के उसको लगाता हूं ना तब लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब भी आप इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आप डिस्प्ले पे काम करोगे, कभी आप डिस्प्ले पे काम करके देखना, आपने हुंडई वेन्यू ऑटो एलिमिनेशन है, ये किसी काम का नहीं है गाइस। इसमें आपको जैसा है वैसा ही दिखेगा, ब्राइटनेस ना आप कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। अगर आप यहां से ब्राइटनेस मेरी देखिएगा -5 पे है, हम इसको +5 पे भी ले जाएंगे तो सेम ही ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। ये आप अपने वेन्यू पे भी देख के करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इसको अगर आप रात में अगर गाड़ी चला, इसमें एक चीज आप कर सकते हो, अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हो, इसको मैं हटा देता हूं, इसमें आप एक चीज कर सकते हो गाइस, अगर आप रात पे गाड़ी चला रहे हो तो इसको सीधे आप डिस्प्ले ऑफ कर दोगे तो आपको इतना दिखेगा। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ हमको डिस्प्ले का, अगर हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते तो ये दिया क्यों है। हम इसको सेंटर पे कर देते हैं, कोई मतलब नहीं सेंटर पे कर, चाहे -5 पे। तो गाइस एज यू कैन सी मेरे को करीब 21.8 की माइलेज मिल रही है एंड 24,722 किलोमीटर्स मैं इसको चला चुका हूं। अगर हम इसका एक और नेगेटिव पॉइंट अगर चुनना चाहें तो चुन सकते हैं, इसका कूल ग्लव वॉक किसी भी काम का नहीं है गाइस। इसमें आप ट्राई करके देख लेना कितनी ज्यादा हवा उस पर, किसी काम का नहीं है, वो बस नाम का है कि हाँ हुंडई वेन्यू कूल ग्लव वॉक्स प्रोवाइड कराती है। एंड समथिंग मोर गाइस कि ये जो गैपिंग है आप देख पा रहे होगे, जो डिक्की की गैपिंग है, बूट स्पेस की जो गैपिंग यहाँ पर रहती है, ये मेरी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा है या आपकी गाड़ी में भी इतनी है, आप एक बार मेरे को देख के ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो मुझे ज़्यादा लग रही है, मे बी इसका एक सॉलिड रीज़न है कि मेरी गाड़ी थोड़ी यहाँ से डैमेज हो गई है, बिकॉज रात में क्या हुआ था, यहाँ से सीधे सीधे एक लकड़ी का पटरा घुस गया था लाइक ऐसे, तो यहाँ से ये पूरा डिस्टर्ब होते हुए ये भी पूरा फट गया था। तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से आप ये गैपिंग देख सकते हो, एक्स्ट्रा गैपिंग ये आप देख सकते हो। तो इसको अपन बहुत जल्द क्लेम करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं चुनूंगा गाइस वो ये है कि इसके रेयर सीट पे स्पेस तो खैर ठीक है, कम है, नो प्रॉब्लम, उतना अपन मैनेज कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बट ये जो बीच का बम्प है ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा, या मेरी ही हुंडई वेन्यू में है या आपके में भी है, तो ये आप मुझे करके ज़रूर बताइएगा। लाइक इस पर अगर आप ऐसे बैठते हो ना तो आपकी पीठ पूरी सपाट उससे लगेगी, अब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। लाइक इस पर अगर आप बैठते हो यहाँ पे तो आपकी पीठ एकदम उससे चिपक के हो जाएगी एंड बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, यहाँ लेफ्ट और राइट पे तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल से अच्छा है, नो प्रॉब्लम 1% के भी, बट आप जब बीच में जो बैठेगा ना आदमी वो लाइक ऐसे तो बैठेगा, बिकॉज इसमें जो ये वाला एरिया है इस बम्प की वजह से आदमी ऐसे तो बैठेगा नहीं, वो आदमी ऐसे बैठेगा, ठीक है। लेकिन बैक पे जो सपोर्ट है इसके यहाँ पे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। लाइक फर्स्ट फ्रंट का व्यू यहाँ से तो बहुत तगड़ा है, बट जो आदमी बैठेगा वो कंफर्टेबल होके तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, मैनेज कर लेगा वो अलग बात है, बिकॉज यू नो अपने इंडिया में हर चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन कंफर्ट बिल्कुल नहीं है बीच में। लेफ्ट और राइट पर कंफर्ट है नो डाउट, बट बीच में कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चलाने में बिल्कुल मज़ा, चलाने में एक नंबर का मज़ा आता है, एक नंबर स्मूथ गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताया, खासतौर पर इसके डोर से जो इसके जिसके ग्लास होते हैं उससे जो वाइब्रेशन की आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अनॉइंग है। ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय।